हेलो एवरीवन। तो जब बनाना हो कुछ हेल्दी और साथ ही साथ टेस्टी तो बनाएं पालक पनीर। तो आज चलिए हम बनाते हैं पालक पनीर और आप देखिए सबसे इजीएस्ट वे में कि हम पालक पनीर टेस्टी और जल्दी कैसे बनाएं। सबसे पहले पालक को साफ करके उसे वॉश कर लीजिए, देन उसके बाद उसको बॉईल होने रखेंगे और हॉट वाटर में हमने पालक रख दिया एंड थोड़ी सी चीनी डालेंगे। चीनी हम इसीलिए डालते हैं ताकि जो हमारी पालक है उसका कलर फेड ना हो, एज इट इज वो रहे जैसे वो बॉईल होने के बाद अभी भी दिख रही है। तो इसको बॉईल होने देंगे, तब तक हम और रेडी कर लेते हैं चीजें। यहाँ हमने पनीर काट लिया है, बटर ले लिया है बिकॉज हम बटर में बनाएंगे डिश। यहाँ हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं 10 से 12, कुछ हरी मिर्च और 2 प्याज, इन सबको बारीक काट लेंगे। प्याज को बारीक बारीक चॉप करेंगे। पालक पनीर के वैसे बनाने के तो काफी अलग अलग साइज हैं, बट ये सबसे सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे है एंड ट्रस्ट मी बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ हमने जो लहसुन की कलियां हैं उन्हें ग्राइंड या क्रश कर लिया है। देखिए यहाँ हमारा पालक भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं पालक का कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश ग्रीन कलर है। चलिए अब इसको ड्रेन कर लेते हैं। जिस बास्केट में आपने इसको वॉश किया था उसी में आप इसको निकाल लीजिए, सारा पानी ड्रेन आउट कर लीजिए और अब इसको ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए एंड इसको नॉर्मल पानी में शिफ्ट कर देंगे एंड दोबारा से इसको अच्छे से निकाल लेंगे बाहर। अब हमें इस पालक को मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है और उसका पेस्ट बनाना है पतला सा। तो चलिए यहाँ हम लेते हैं मिक्सर जार, अब इसके अंदर डालेंगे हम पालक। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ आइस क्यूब्स। यहाँ आइस क्यूब्स हमने इसलिए डाले बिकॉज मिक्सर ग्राइंडर में जब कुछ चीज ग्राइंड होती है तो वो एकदम गर्म हो जाता है, ताकि इसका कोई फ्लेवर में डिफरेंस ना आए इसलिए हमने इसको बैलेंस करने के लिए आइस डाले हैं। देखिए वो हमारा हो चुका है, पेस्ट बन चुका है अच्छा सा। कढ़ाई को अब हमने गैस पर रख दिया है एंड इसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल एंड मिक्स करेंगे इसमें हम बटर, बिकॉज बटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है एंड बटर जब मेल्ट हो जाएगा तब हम अपनी सब्जी को करना शुरू करेंगे। एंड ये मेल्ट हो चुका है, थोड़ा सा और बटर, लॉट्स ऑफ बटर बिकॉज टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इससे। देखिए पूरा बटर मेल्ट हो चुका है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे बटर एंड ऑयल को। अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्च और अब हमारा जो पनीर है इसको फ्राई करेंगे। तो जो हमने बटर ज्यादा डाला है ना वो फ्राइंग के लिए लिया था, बाकी जो रिमेनिंग हमारा अब बचेगा ऑयल उसी में हम अपनी सब्जी बनाएंगे। अच्छे से गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है। ये पनीर हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, चलिए अब इसको बाहर निकालते हैं। चलिए ये काम भी हो गया है, देन अब स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। तो सबसे पहले हम इस बटर में डालेंगे गार्लिक और इसको अच्छे से सॉटे करेंगे। अब हम डालेंगे ग्रीन चिलीज, अच्छे से गार्लिक हमारी रेडिश ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। इस रेसिपी में काफी कम एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन कुछ एलिमेंट्स की वजह से हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होगी। एंड अब हम डालेंगे सॉल्ट, देखिए अच्छे से प्याज भी गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस, तो हमने डाला है ये लाल मिर्च पाउडर, इसमें दोनों लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी है एंड नॉर्मल रेड चिल्ली पाउडर भी है। देन हमने डाला है इसमें धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और इसको मिक्स करेंगे। पूरे मसाले को अच्छे से कुक करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे
इसको और पकाएंगे। मसाला देखिए हमारा काफी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी पालक की प्योरे। ये देखिए कितना प्यारा एंड फ्रेश ग्रीन कलर आया है। एंड जिस जार में हमने प्योरे को मिक्स किया था उसी में ही हम पानी डाल के इसको दोबारा से कढ़ाई में डाल देंगे उस पानी को, ताकि कुछ भी पार्ट रह ना जाए प्योरे का जार में। थोड़ा सा और पानी, कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इस प्योरे को भी हमें अच्छे से कुक करना है, तो चलिए इसको कवर कर देते हैं लिड की हेल्प से और इसको कुक होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए उबाल आ रहा है हमारे इसमें सब्जी में, तो चलिए इसको और अच्छे से कुक करते हैं। एंड बस अब हम इसमें डालते हैं हमारा पनीर जो हमने फ्राई किया था। पनीर को प्योरे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप इस तरीके से अगर पालक पनीर बनाएंगे तो मिनटों में पालक पनीर भी बन जाएगा, हेल्दी भी होगा एंड टेस्टी तो बनने वाली है डिश। एंड अब ऊपर से हमने डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी और गरम मसाला। देखिए हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। थोड़ा ढककर पकाएंगे एंड इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट आपको किस चीज़ की रेसिपी बताएं। एंड आप भी खाइए, खिलाइए एंड इन्जॉय। और आप इसको पनीर से गार्निश कर दीजिएगा ताकि आपकी डिश और खूबसूरत लगे। थैंक यू।